मुफस्सिरीन ने लिखा कि नमाज और ज़कात को एक साथ जिक्र करने में क्या हिकमत है। फरमाया, इंसान की कामयाबी का मदार दो चीजें, एक के खालिक के साथ उसका ताल्लुक मजबूत हो और दूसरा मखलूक के साथ भी उसका ताल्लुक मजबूत हो। खालिक से ताल्लुक बनता है नमाज के जरिए से। फरमाया कि जब बंदा नमाज शुरू करता है तो अल्लाह से ऑनलाइन हो जाता है, गुफ्तगू शुरू हो जाती है, मुलाकात शुरू हो जाती है। दुनिया के किसी बड़े आदमी से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, टाइम लेना पड़ता है, उसके असिस्टेंट की मिन्नत समाजत करनी पड़ती है। लेकिन जो सारी दुनिया के बादशाहों का बादशाह है, उससे मुलाकात के लिए कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं, कोई खर्चा नहीं, बस आपने वुजू करना है और तकबीर तहरीमा कहकर अल्लाह से ऑनलाइन हो जाना और फिर जब आदमी नमाज में मुतवज्जे होता है, फरमाया यूं नमाज पढ़ो का अन्नका तराहू, गोया के तुम अल्लाह को देख रहे हो। फइन लम तकुन तराहू, अगर ये कैफियत नहीं बन रही, फइन्नहू यराक, इतनी तो जरूर बने कि अल्लाह मुझे देख रहा है। फिर ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ता है, हमीदनी अब्दी का जवाब आता है, अर्रहमान रहीम पढ़ता है, अस्ना अलैया अब्दी का जवाब आता है, मालिक यौमिद्दीन पढ़ता है, मज्जदनी अब्दी का जवाब आता है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ता है, हाज़ा बैनी व बैन अब्दी का जवाब आता है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूब अलैहिम वलद्दाल्लीन पढ़ता है, हाज़ा लिअब्दी व लिअब्दी मा सअला का जवाब आता है। अल्लाह अपने इस बंदे को बराबर जवाब दे रहे हैं, कन्वर्सेशन हो रही है। और जब तक ये नमाज में मुतवज्जे रहता है, अल्लाह भी इसकी तरफ मुतवज्जे रहते हैं। लेकिन जब इसकी तवज्जो डाइवर्ट हो जाती है इधर उधर, तो अल्लाह भी फिर रहमत की नज़र हटा लेते हैं। जैसे हम किसी से बातचीत करें और उसको देखने के बजाय हम इधर उधर देख रहे हो, तो थोड़ी देर के बाद वो सिलसिला कलाम को मुनक़ते कर देगा, गुफ्तगू को ख़त्म कर देगा। इसी तरह अल्लाह भी फिर जो है वो तवज्जो हटा लेते हैं। तो अल्लाह से ताल्लुक बनता है नमाज के ज़रिए से, और बंदों से ताल्लुक बनता है ज़कात के ज़रिए से। इसीलिए दोनों को जोड़ा, जब आप ज़कात देंगे, सदका देंगे, खैरात देंगे, खाना खिलाएंगे, पानी पिलाएंगे, लिबास पहनाएंगे, घर बना कर देंगे, ज़रूरियात पूरी करेंगे, कर्ज लोगों के अदा करेंगे, तो लोगों के दिल में आपकी मोहब्बत आएगी और आपका ताल्लुक मजबूत से मजबूत तर होता चला जाएगा। अब ज़कात वो तो सिर्फ साहिब निसाब पर वाजिब और फ़र्ज है, जो निसाब का मालिक, 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी या 52.5 तोला चांदी की मालियत, जो शायद आजकल 1 लाख से कुछ ऊपर है, इतने कैश पैसे या तिजारत का सामान
या ज़रूरत से ज़्यादा सामान हो वो साहिब निज़ाम होता है। तो ज़कात साल में एक बार हो और वो भी सिर्फ साहिब निसाब पर, और वो भी उस माल पर साल गुजरने के बाद, और वो भी 2.5%, और वो भी ख़ास ख़ास जगहों में दे सकते हो। लेकिन जो इंफाक है, सदका है, वो हर आदमी दे सकता है। 10 रुपए वाला भी उसमें से 2 रुपए दे सकता है और पूरा साल दे सकता है और हर एक को दे सकता है। तो इसीलिए रमज़ानुल मुबारक में जैसे नमाज तिलावत का एहतमाम होता है, उसके साथ साथ ज़कात, सदका और खैरात की तरफ भी तवज्जो दी जाए। उलमा ने लिखा है कि अल्लाह ने 2 चीज़ों को कुरान में कय्यिम कहा। कय्यिम कहते हैं जिस पर बका का दारो मदार, स्टेबिलिटी जिसमें। एक बेतुल्लाह को क़ियाम बनाया, जअलल्लाहुल काबतल बैतल हराम क़ियामन लिन्नास, बेतुल्लाह की वजह से हमारी रूहानियत बाकी है। और दूसरा माल को अल्लाह ने बका कहा, वआतु सुफहा अमवालकुम अल्लती जअलल्लाहु लकुम क़ियामन वला तुतु सुफहा, कि अपना माल उनको न दो जिनमें भी अकल पूरी नहीं, इस माल को भी अल्लाह ने तुम्हारे क़याम का सबब बनाया। सुफियान सोरी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि ये माल मुसलमानों के लिए ढाल है। जैसे पहले ज़माने में लोग तीर तलवार और नेज़े के वार से बचने के लिए ढाल को आगे कर देते, तो अगर मुसलमानों के पास हलाल माल होगा तो कोई इसके ईमान और अकीदे को नहीं खरीद सकेगा। ये लालच में नहीं आएगा, ये फकर व फाका की वजह से कुफर इख्तियार नहीं करेगा। कादल फकरु अन यकून कुफरा, हदीस पाक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये फकर व फाका इंसान को काफिर बना देता है। बहुत से लोग पैसों की खातिर ईसाई हो गए, पैसों की खातिर यहूदी हो गए, पैसों की खातिर कादियानी हो गए, बाहर मुल्क का वीज़ा मिल गया, कारोबार की ऑफ़र हो गई, लड़की और शादी की ऑफ़र हो गई, कोई स्टेटस और ओहदा मिल गया। अब वो अपने भूखे बच्चों को देख रहा है और अपनी बीमार बूढ़ी माँ को देख रहा है, और उधर से इतनी बड़ी ऑफर हो रही है, सब्ज बाग दिखाए जा रहे हैं, उसको अपनी दुनिया बज़ाहिर बनती हुई नजर आई और स्लिप हो गई। तो अगर इसके पास अपना माल होता है तो इसका अकीदा और ईमान मुतज़लज़ल ना होता। इसीलिए इस माल को खैर भी कहा गया, लिहुब्बिल खैर लशदीद, इस माल को फजल भी कहा गया, वक्तबु फजल मिन रब्बिकुम, इस माल को जीनत भी कहा गया, जीनतुल हयात दुनिया। तो बहरहाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस थी, लिकुल्ल उम्मतिन फितना, हर उम्मत के लिए एक ख़ास चीज़ फितने का बायस हुआ करती थी। किसी के लिए मर्द, किसी के लिए औरत, किसी के लिए अहदा, किसी के लिए ताकत। कौम आद अपनी ताकत के बलबूते पर इतराने लगे, मन अशद्द मिलना हुआ। कौम समूद अपनी सनत व हिरफत पर घुमंड करने लगे। जाब सखर बिलवाद, पहाड़ों को तराश कर घर बनाते,
और उस जमाने में मशीनरी और टेक्नोलॉजी और इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट्स और ये आलात भी नहीं थे। कारून अपने खजाने पर नाज करता रहा। ऊती तो हुआ लाइल में नहीं थी, शद्दात को अपनी जन्नत ले डूबी, फिरौन को अपना लश्कर खुदाई के दावा करने पर मजबूर कर देता है, हामान उसकी वजारत और चापलूसी के चक्कर में जहन्नम का मुस्तहिक बन जाता है, मुशरिकीन के बड़े बड़े सरदार अपनी खानदानी वजाहत की वजह से किसी के मातहत होना और इस्लाम की छतरी तले आना अपनी तौहीन समझते थे। तो हर एक के लिए कोई खास चीज फितने का बाइस थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के फितने का सबब माल है। अच्छा, माल का न होना यह भी स्लिप करता है और माल का बहुत ज्यादा होना यह भी आपको गिरा देता है। बैलेंस, भाई बहुत ज्यादा माल आया, मस्ती में लग गया, ऐश-ऐशरत में लग गया, रंगीनियों में खो गया, शराब और कबाब में लग गया। अल्लाह फरमाते हैं, इज़ा अरदना अन नुहलिक क़रियतन अमरना मुतरफीहा फ़फ़सकू फीहा, जब हम किसी कौम को हलाक करने का इरादा करते हैं, उन्हें माल देते हैं, वो माल में डूब कर इतराते हैं, तकब्बुर करते हैं, गुरूर करते हैं, घुमंडी हो जाते हैं और फिर हमारी पकड़। ये जितने बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इनका दिमाग इनके माल ने खराब किया, इनका दिमाग इनको दिए जाने वाले प्रोटोकॉल ने खराब किया, इनका दिमाग इनके मातहती में रहने वाले यस्सर यस्सर कहने वालों ने खराब किया। और दूसरी तरफ माल बिल्कुल नहीं है, आदमी भूख से मरने लगा, बीमार बच्चे का इलाज नहीं कर पा रहा, बीवी की जायज जरूरियात पूरी नहीं कर पा रहा, वो भी टेंशन में आके चोरी करेगा, डकैती करेगा, फरार करेगा, धोखा करेगा, मिलावट करेगा, ईमान और अकीदे को छोड़ दे। तो बैलेंस कैसे आए? इस बैलेंस के लिए अल्लाह ने जकात का हुक्म दिया, तू खजू मिन अग्निया व तुरद्दु इला फुकरा, मुसलमानों के मालदारों से ली जाएगी और मुसलमानों के गुरबा को दी जाएगी। और एहसान तो देखिए, ये माल भी तो हमारा अपना नहीं था, उसने दिया, उसका माल है। वो कहते हैं मेरा माल है, तुम सिर्फ इसको दे दो, अजर में दूंगा। आतू हम में माल नजी आता, भाई हम किसी को 1 लाख रुपए दे कि ये फला आदमी को दे दो, तो असल सवाब और किरदार तो उसका जिसने दिए, मैं तो सिर्फ पहुंचाने वाला हूं, लेकिन इस पर भी मुझे वो अजर मिल रहा है। वलिल्लाहि मीरासु समावाति वल अर्ज, सब कुछ अल्लाह का है। तो बैलेंस के लिए जकात का हुक्म दिया, जाहिर है कि जो जितना मालदार होगा, अब वो जब 2.5% जकात निकालेगा, अगर सब 2.5% जकात सही तौर पे निकालने लग जाए और वो सारी जकात प्रॉपर तरीके पर मुस्तहिकीन तक मुनसिफाना तकसीम से चली जाए, गुरबत खत्म। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के दौर में, बल्कि उनसे पहले भी खुलफाए अरबा के दौर में, ऐसा वक्त आया कि कोई जकात लेने वाला नहीं मिलता था। आज तो आप गलती से ऐलान कर दें, फिर आपकी गली में रश देखें, और अल्लाह माफ करे, ईमान कमजोर है,
तो ऐसे गरीब हैं जो सुबह से लेकर रात तक सिर्फ लेने के लिए घूमते हैं, ना नमाज, ना रोज़ा, ना तिलावत, ना जिक्र, सारा दिन घूमते। वरना जब ईमान और अकीदा मजबूत होता है, आदमी कहता है मुझसे ज्यादा जरूरत इसको है, आदमी कहता है मेरी जरूरत पूरी हो गई, ये बकिया मैं इसको दे देता हूं। एक बकरी की सिरी सात घरों से घूमकर वापस नहीं है, ईमान बना हुआ। तो न देने वालों में वो ईमान है, न लेने वालों में वो ईमान है, मामला खराब। और जैसे मैंने अर्ज किया, ज़कात तो साल में एक बार 2.5%, लेकिन सदका खैरात का हुक्म तो हर वक्त कुरान दे रहा है, देते रहो देते रहो। वला तजअल यदक मग़लूलतन इला उनुक, हाथ को गर्दन पर न रखो कि हाथ जेब में जाए नहीं, अपनी जेबों में सांप नहीं बिठाओ कि गलती से भी तुम्हारा हाथ न जाए, अपनी तिजोरियां नहीं भरो। एक एक पाई का हिसाब देना है, मिन ऐन इक्तसबा, कमाया कैसे, फीमा अनफका, लगाया कैसे, आया कहां से और गया कहां पर। और दूसरी मिसाल बार फरमाया कि जब मालदार जकात नहीं देंगे उनमें तकब्बुर आएगा और गरीबों में जुल्म आएगा, फिर गरीब छीनेंगे, डाका मारेंगे। और दूसरी मिसाल यूं दी कि फरमाया जैसे इंसानी जिस्म में खून होता है, खून जरूरी है, जिसके पूरे जिस्म का खून सूख जाए, खुश्क हो जाए, वो तो मर जाएगा, खून जरूरी है। और दूसरी चीज उस खून का सर्कुलेट करना जरूरी है, उसकी सर्कुलेशन जरूरी है कि वो खून गर्दिश करता रहे। अगर गर्दिश नहीं करेगा तो भी एक जगह पर खून जमा हो जाएगा और वो नासूर बन जाएगा और जो है उससे कैंसर बन जाएगा और ये मर जाएगा। तो जिस्म में खून का होना भी जरूरी है और उस खून का पूरे जिस्म में गर्दिश करना भी जरूरी है। तो इस मुआशरे को जीने के लिए माल भी जरूरी है और उस माल का सर्कुलेट होना भी जरूरी है कि ये माल इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से इधर, ये नासूर है। हमारे मुल्क के निजाम में गैर मुनसिफाना तकसीम दौलत की वजह से ये माल एक तरफ जाके जमा हो रहा है, वो दिन ब दिन अमीर से अमीर तर और ये दिन ब दिन गरीब से गरीब तर हो रहा है। तो ये माल खून की तरह जाकर एक जगह में जमा हो गया, फिर वहां नासूर आ गए। किसी जमाने में ज़ियाउल्लाह साहब के जमाने में उलमा को उन्होंने जमा किया और कहा जी मैं ज़कात का निज़ाम नाफिज करूंगा। उलमा ने कहा बहुत अच्छी बात है, तायीद की। और ये ज़कात की तकसीम भी उलमा की निगरानी में होगी, अइम्मा मसाजिद की निगरानी में होगी, बहुत अच्छी बात है। भाई एक इमाम मस्जिद को पता होता है कि मेरे मुक्तदियों में गरीब कौन है और अमीर कौन है, उसको पता होता है। वो काजी अब्दुल रशीद साहब फरमाते हैं ना कि उनसे एक टीवी एंकर ने सवाल किया कि आप मौलवी सोशल नहीं होते, आपका लोगों से इंटरेक्शन नहीं होता है, लोगों से आपका मेल जोल नहीं होता है। तो वो कहने लगे भाई जितना सोशल मौलवी और इमाम मस्जिद होता है इतना तो और कोई नहीं होता है। बोला वो कैसे? बोला भाई मैं मस्जिद का इमाम हूँ, मेरे पीछे नमाज पढ़ने वालों में बच्चा भी है, जवान भी है, बूढ़ा भी है, अमीर भी है, गरीब भी है, डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, पठान भी है, बलोच भी है, सिंधी भी है, पंजाबी भी है, सराइकी भी है। हमें बच्चा पैदा होता है तो पहले से हमें पता होता है कि जी विलादत मुतवक्के है, कोई तावीज़ दे दे, ये भी मौलवी को पता होता है। हाँ लोग एतमाद करते हैं। फिर बच्चा पैदा होता है, कान में अजान आकर मौलवी देता है, नाम मौलवी रखता है, अकीके में मौलवी होता है,
कुरान जब पढ़ने लगता है मौलवी पढ़ाता है, शादी का मौका आता है निकाह मौलवी पढ़ाता है, जनाजा होता है जनाजा मौलवी पढ़ाता है, तलाक और मीरास का मसला होता है मौलवी बताता है, बीमार होता है सर पर दम मौलवी करता है, यहाँ तक कि मुक्तदी रात को जो डरावना ख्वाब देखता है वो भी आकर इमाम को बताता है जी मैंने ख्वाब देखा। मौलवी को तो हर चीज का पता है, ये कैसे सोशल नहीं है? और मौलवी के बगैर तुम चल कहां सकते हो? जितना भी प्रोपेगंडा कर लो कुछ मर्शी नुपड़शी या मखी तप्रूत। अब एक मौलवी नहीं है, कोई प्राइम मिनिस्टर कोई प्रेसिडेंट, जनाजा तो हर मुसलमान पढ़ा सकते हैं, कुछ वर्जी वाला इनको नमाज नहीं आती। तो कहने का मकसद ये है कि जब ये माल सर्कुलेशन में होगा तो मुआशरे के अंदर न तकब्बुर होगा न जुल्म होगा न गालियां होगा। यही वजह है कि गांधी से हिंदू है और हिंदुओं का बड़ा यानी कि एक इंटेलिजेंट और इंटेलेक्चुअल आदमी, उससे किसी ने इंटरव्यू लिया कि भाई तुम्हारे आइडियल कौन है एक स्टेट के लिए एक रियासत के लिए। उसने कहा कि मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि मैं हिंदू हूं लेकिन बतौर आइडियल पेश करने के लिए मेरे पास अपने कोई हिंदुओं का नाम नहीं है, उनकी हिस्ट्री और तारीख इतनी रोशन और ताबिंदा नहीं है, मैं मजबूर हूं कि आज मैं अगर मिसाल देता हूं तो अबू बकर उमर की देता हूं। क्यों? उसने स्टडी किया, हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु खलीफा बने, खलीफा बने तो अगले दिन जो है वो बाजार की तरफ चल पड़े, तो साहबा ने कहा भाई किधर? जी तिजारत के लिए जो मेरी रूटीन है। एक तो ये तस्वुर है ना कि मौलवी कारोबार नहीं कर सकता, अलग मुलायम कारोबार करो ना निकल मजदा से उत्ता से ड्यूटी है तनख्वाह वाला डेरा वर्क चिदे पर किला कारोबार। ऐसे कहने वालों को शर्म तुमको मगर नहीं आती, जी मौलवी भी कारोबार कर, ये तो आका ने तिजारत की, खुलफा ने की, सहाबा ने की, ताबीन ने की, तबा ताबीन ने की, इमाम अबू हनीफा ने की, इमाम मोहम्मद ने की, किसने नहीं की? बहरहाल सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह अन्हु चल पड़े तो उन्होंने कहा भाई कहाँ जा रहे हो जी? तिजारत माश के लिए। कहा जी वो तो ठीक है लेकिन मुसलमानों के मामलात को भी देखना पड़ेगा, अभी आप नए नए खलीफा बने हैं, आपका पर्दा फरमा चुके हैं और कुछ लोगों ने ज़कात देने से इनकार कर दिया है, कहीं से बगावत हो रही है और नए कबाइल इस्लाम में आ रहे हैं और ये तो बड़ा मेहनत का सामान है, तो आप कुछ वक्त इसको भी दें, हम उसके बदले में आपको वजीफा देंगे बैतुल माल से, बैतुल माल से आपको वजीफा मिलेगा। कहा ठीक है कुछ वक्त इसको भी दूंगा। तो काजी कितना वजीफा? फरमाए जितना एक आम आदमी का है, जितना एक आम आदमी का है। लोगों ने कहा जी नहीं आप तो अमीरुल मोमिनीन हैं और उससे आपकी जरूरत पूरी नहीं होगी। फरमाया जब मेरी जरूरत पूरी नहीं होगी तो मैं आम आदमी की तनख्वाह बढ़ा दूंगा, सिर्फ अपनी तनख्वाह नहीं, यहां तो कुछ लोग कहते थे कि जी हमारी 6 लाख तनख्वाह और हमारी जरूरत पूरी नहीं हो रही, 6 लाख तनख्वाह और हमारी जरूरत, अच्छा ये तो सिर्फ तनख्वाह है बाकी जो मामलात है वो तो आपको मुझसे ज्यादा पता है, घर गवर्नमेंट का, गाड़ियां गवर्नमेंट की, मुलाजिम गवर्नमेंट के, पेट्रोल गवर्नमेंट का, इलाज गवर्नमेंट का, दौरे गवर्नमेंट के, खर्चे गवर्नमेंट के, खांचे गवर्नमेंट के, करप्शन गवर्नमेंट की, वो तो अलग बात है। किसी जमाने में के इलेक्ट्रिक के एमडी की तनख्वाह 55 लाख थी, जस्ट तनख्वाह, बाकी चीजें और इधर मजदूर की तनख्वाह होती है कितनी? 20,000। कहते जी 2,000 रुपए का इजाफा होगा और फिर एक
प्राइम मिनिस्टर कहता है इस 2000 में आपकी मर्जी है, आप आटा भी खरीद सकते, आप बिजली का बिल भी दे सकते, आप बच्चों की किताबें भी खरीद सकते। पता नहीं ये कौन से 2000 है, ये 2000 दीनार की बात होगी मेरे ख्याल में, 2000 रुपए से तो इतनी चीजें नहीं होती, या इसमें बहुत बरकत हो। और हमारी आवाम को अल्लाह जजाए खैर दे, इन्होंने कहा कि यार जितनी हमारी मजदूर की तनख्वाह होगी उतनी हमारे इमाम की होगी, उतनी हमारे, बोलो। एक आलिम ने लिखा कि ये जो मस्जिद होती है, फतवा ये कि इस मस्जिद की जो जरूरियात होती है उसको पूरा करना आवाम की जिम्मेदारी है, आले मोहल्ले है जिम्मेदारी, उसके बिजली का बिल, उसके गैस का बिल, उसके पानी का मसला, उसकी लाइटों का मसला, उसकी तामीरात का मसला, जनरेटर का मसला है जिम्मेदारी मस्जिद के मुतालिकीन की। तो इमाम या मुअज्जिन या खादिम ये मस्जिद के मुतालिकीन नहीं है, या इनको पार्क से तनख्वाह मिलती है। तो सबसे असल पिलर तो इमाम और मुअज्जिन और खादिम है। आप मस्जिद को सोने की बना दे इमाम ना हो, या इमाम की जरूरियात का ख्याल ना हो, या मुअज्जिन या खादिम की जरूरियात का ख्याल ना हो। मैं अक्सर ये बात कहा करता हूँ कि ये हम अपने लिए नहीं कहते, ये मुआशरे में जो लाखों लोग हैं उनके लिए कहते। लोग आवाज़ उठाते ना, उसको राशन दो, इसको कपड़े पहनाओ, मस्जिद के अपने मुक्तदी सारी दुनिया में फंड भेज रहे होते हैं, अपने इमाम का और उनके घर का और जरूरियात का उनको पता नहीं होता। तो बहरहाल सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा मैं आम आदमी की तनख्वाह बढ़ा दूंगा, आम आदमी की तनख्वाहें बढ़ेगी, मुझे पता चलेगा कि मेरी जरूरत इसमें पूरी हो रही है, मैं उतनी तनख्वाह आम आदमी की रखूंगा, बैलेंस आ जाएगा। और दूसरी मिसाल हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की इसलिए दी कि वो बीमार हो गए, जब बीमार हो गए तो हकीम साहब को बुलाया गया, उसने तशखीस की कि इनका मैदा भूख की वजह से और ज्यादा खुश्क रोटी खाने की वजह से वो सूख गया। फरमाया इलाज क्या है कि जैतून का तेल कुछ दिन तक इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब अमीरुल मोमिनी ने कहने लगे मेरे घर में तो जैतून का तेल नहीं है, तो कहा जी बेतुल माल में है। पूछा कितना है, वो जो जैतून का तेल बेतुल माल में है सारी रियाया को अगर बराबर बराबर दो तो मेरे हिस्से में कितना आएगा। कहा वो तो बहुत कम आएगा, उससे तो काम नहीं बनेगा, कहा फिर मैं वो इस्तेमाल नहीं करता। इधर तो तोशा खाने का रिकॉर्ड आया हुआ, 30-40 सालों में देखो सब ने बहती गंगा में हाथ धोए, तब हमारी से लपलार मारे इनके इनकी बीवियों के और बच्चों के और पता नहीं चाचों के और मामों के और भतीजों के और बांझों के और रिश्तेदारों के और लाडलों के और चहीतों के और नौकर के और चाकर के और खुद्दाम के और पता नहीं किस किस को नवाजा, ये सब सब एक ही। और फिर हम सब इनके पीछे होते हैं, अपना गला जो है ना फाड़ फाड़ के इनके लिए मुहिम चला रहे हो। मेरे मोहतरम दोस्तों भाइयों बुजुर्गों, हर इस्लामी निजाम और खिलाफत के निजाम, तो ये जो जकात का निजाम है इस पर हम अमल करें। जकात का साहिब निसाब कौन कहलाएगा, वो मर्द हो या औरत। कुछ लोग बीवी और अपने आप को मर्ज करते हैं, ओ जी हमारे पास 2 तोला सोना है और मेरे पास ये, भाई सोना बीवी का है वो अलग है और हम अपना हिसाब अलग करें। तो अगर किसी मर्द या औरत के पास 7.5 तोला सोना, वो सोना जेवरात में हो, बिस्किट की शक्ल में हो, टिकिया की शक्ल में हो, वो इस्तेमाल के लिए हो, वो घर में वैसे ही पड़ा हो, अगर 7.5 तोला सोना है उस पर ज़कात होगी, या 52.5 तोला चांदी, या 52.5 तोला चांदी की कीमत जो कोई 1,10,000-15,000 के करीब,
या इतने पैसों का तिजारत का सामान हो या जरूरत से ज़ायद सामान हो तो उस पर ज़कात है। एक औरत के पास 2 तोले सोना है, चांदी भी नहीं, पैसा भी नहीं, तिजारत का सामान भी नहीं, जरूरत से ज़ायद सामान भी नहीं, कैश भी नहीं, उस पर ज़कात नहीं है। लेकिन किसी के पास 2 तोले सोना है और कैश पैसे भी हैं या तिजारत का सामान भी है, फिर 2 तोले पर भी ज़कात है। इस 2 तोले को और बाकियों को मर्ज किया जाएगा और उसका 2.5% दिया जाएगा। अच्छा, लोग सिर्फ सोना चांदी इसकी ज़कात का पूछते हैं। वो पैसा जो आपके पास कैश है, वो पैसा जो आपके अकाउंट में है, वो पैसा जो आपने कहीं इन्वेस्ट किया है, वो पैसा जो आपने किसी को कर्ज दिया है, वो पैसा जो आपने किसी को उधार दिया है, वो पैसा जिससे आपने डॉलर या करेंसी खरीदी है, या जो प्राइस बॉन्ड है, या वो पैसा जिससे आपने कमेटियां भरी हुई है, इन तमाम पर ज़कात है। समझ रहे हैं? इसी तरह नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट लोग खरीदते हैं, डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट लोग खरीदते हैं, शेयर खरीद कर उसका कैपिटल गेन रखते हैं, ये बड़े मसाइल हैं। इन तमाम चीजों का इहाता करके ज़कात देनी है। फिर इसी तरह जो आपने किसी को कर्ज देना है वो माइनस कर दो। जो बीसी आपने ले ली थी, अब उसकी किस्तें भरनी है वो माइनस कर दो। किस्तों पर कोई चीज आप खरीद चुके हैं उसकी किस्तें बाकी है वो माइनस कर दो। इसी तरह फैक्ट्रियों में जो खाम माल होता है, जो मैन्युफैक्चरिंग का माल होता है, उस माल की भी ज़कात देनी है। और गाड़ी, मकान या प्लाट अगर तिजारत और बेचने की नीयत से खरीदा हो उसकी कीमत पर ज़कात होगी, और अगर अपने रहने या किराए पर दिया हुआ हो तो उसकी कीमत पर ज़कात नहीं होगी। और ज़कात देते वक्त जिस दिन ज़कात दे रहे हो उसी दिन उस चीज की कीमत मालूम करो। आपने तिजारत के लिए प्लाट लिया 1 करोड़ का, 1 साल बाद आप उसकी ज़कात दे रहे हो, 1 करोड़ के हिसाब से नहीं दोगे, आज उसकी वैल्यू अगर 2 करोड़ है तो आज के हिसाब से 2 करोड़ की ज़कात दोगे। तो इन मसाइल को उलमा से पूछे, अपनी ज़कात पूरी अदा करो, इखलास से अदा करो, मुस्तहिकीन तक पहुँचाए, और कहीं ऐसा ना हो कि इस माल को क़यामत के दिन आग में तपाकर हमारे जिस्मों को दागा जाए। यौम युहमा अलैहा फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम, पेशानी को, पीठ को, पहलू को दागा जाएगा और कहा जाएगा हाज़ा मा कनज़्तुम ली अन्फुसिकुम, ये माल तुम जमा करते थे और इसकी ज़कात नहीं देते थे, चखो इसका मजा, जरा पता तुम्हें चल जाए। इसको गंजा सांप बनाकर मुसल्लत किया जाए। गंजा क्यों? कि जो गंजा सांप होता है ना, तो ज्यादा जहर की वजह से उसके बाल उड़ जाते हैं, उसको मुसल्लत किया जाए। अल्लाह हम सबको इन बातों पर अमल की तौफीक।